everyone, this is सुदेश and you are here on Arav Education Point। आज हम 12th class first poem My Mother at 66 को पढ़ेंगे। This poem is written by Kamala Das। Kamala Das is a prominent Indian writer। She belongs to Kerala and she wrote her work under the pen name of Madhavi Kutty। This poem My Mother at 66 is based on mother-daughter relationship. Here Kamala Das shares her own feeling with the help of this poem and यहाँ पर कमला दास अपनी खुद की फीलिंग्स जो अपनी माँ के साथ वो रखती हैं इस पोएम के माध्यम से आप सबके सामने शेयर कर रही हैं। So students, let's read the poem। Driving from my parents' home to Kochi last Friday morning, I saw my mother beside me। ड्राइविंग मीन्स ड्राइव करते हुए फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मेरे पेरेंट्स के घर से, टू कोचीन यानी कोचीन की तरफ, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग पिछले शुक्रवार की सुबह। आई सा माई मदर, मैंने मेरी मदर को देखा, बी साइड में, जो कि कहाँ थी, मेरे पास में ही थी। यानी कि यहाँ पर पोएटस और उसकी मदर गाड़ी में कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कोचीन की तरफ जा रहे हैं। और पोएटस जो है गाड़ी ड्राइव करते करते अपनी मम्मी की तरफ देखती है जो उसके साइड में ही बैठी हुई है। डोज ओपन माउथ हर फेस एस एन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। डोज में ऊँग रही थी वो, ओपन माउथ उनका मुंह खुला था, हर फेस एस एन लाइक उसका चेहरा जो है बिल्कुल डल नज़र आ रहा था। ऐसा मीन राख के जैसा डल नज़र आ रहा था, मतलब उसमें कुछ जान सी नहीं थी, एक जो है उत्साह नहीं था। दैट ऑफ ए कॉप्स, और उन कैसा नज़र आ रहा था? एक डेड बॉडी के जैसा उनका चेहरा पोएटस को नज़र आ रहा था। एंड रियलाइज्ड, और महसूस किया, या विद पेन, दुख के साथ। और पोएट के अंदर एकदम सडन फीलिंग आती है दुख वाली, दैट की सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि वो आज उतनी बूढ़ी हो गई है जितनी वो दिख रही है। यानी पोएटस की मदर की एज आज काफ़ी हो चुकी है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, परंतु जैसे ही उसके मन में ऐसे विचार आते हैं अपनी मम्मा के प्रति, वो उदास नहीं होना चाहती अपनी मम्मा के सामने, इसलिए कहती है कि सून, परंतु जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, उस विचार को जो मेरे मन में अभी अभी आया था उसको दूर भगाने के लिए, अवे करने के लिए। एंड लुक्ड आउट, मैंने बाहर की तरफ, यानी गाड़ी में बाहर की तरफ देखना शुरू कर दिया। एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग, और बाहर जो सिनेरियो था वो क्या था? बाहर जो है यंग ट्रीज, जो पेड़ थे वो स्प्रिंटिंग, भागते हुए नज़र आ रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो है वो हो सकता है किसी गांव से गुजर रही हो और रास्ते में जो है कुछ घर उस सड़क पर बने हुए हैं और वहाँ से बच्चे उसको खेलते हुए नज़र आए। तो द मैरी चिल्ड्रन, उस मिजाज बच्चे जो है स्पीलिंग आउट, बाहर आते हुए, ऑफ देयर होम्स, उसे अपने घर से बाहर आते हुए दिखे। यानी उन्होंने पोएट्स ने क्या देखा कि बाहर जो है सिनेरियो बिल्कुल फुल ऑफ लाइफ है, और इनसाइड द कार सिनेरियो इज़ वेरी सैड, क्योंकि उसकी मम्मी की जो उम्र है वो अब काफ़ी हो चुकी है और उसके चेहरे पर वो उम्र नज़र आती है। इवन पोएट्स के मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी है कि कहीं उसकी मम्मी जो है अपनी ज़िंदगी खो तो नहीं रही है। यानी यहाँ पर जो है दो सिचुएशंस को कंपेयर किया गया है, ए सिचुएशन फुल ऑफ लाइफ एंड ए सिचुएशन विदाउट लाइफ। विदाउट लाइफ सिचुएशन इज़ रिलेटेड विद पोएटस मदर एंड फुल लाइफ सिचुएशन इज़ रिलेटेड विद यंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रंस। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब वो जो है दोनों मम्मी और बेटी दोनों एयरपोर्ट पर पहुँच गई हैं, और वहाँ पर पहुँचने के बाद सिक्योरिटी चेक, और वहाँ पर जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं चेकिंग वगैरह की, वो होने के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, अब पोएटस अपनी माँ से कुछ दूरी पर खड़ी है। आई लुक्ड अगेन, अब कहती है कि मैंने उसकी तरफ दोबारा फिर देखा। एट हर वन, उनके बीमार, पेल, पीले पड़े हुए चेहरे को, एज ए लेट विंटर्स मून, और अब यहाँ पर पोएट जो है उनके चेहरे की कंपैरिजन कर रही है किसी लेट विंटर मून से। विंटर मीन सर्दियों का और मून मीन चंद्रमा। जो सर्दियों का जो चंद्रमा होता है वो धुंधला होता है। धुंधला क्यों होता है? क्योंकि सर्दियों में फोग आ जाती है, मिस्ट होती है, उसकी वजह से उसको उतना क्लियर दिखाई नहीं देता जितना उसे दिखाई देना चाहिए। और अब जो है पोएट्स पूरे दर्द के साथ अपनी मम्मी के चेहरे की कल्पना किससे की है? विंटर मून से। यानी उनकी मम्मी का चेहरा भी बहुत ही डल और लाइफलेस हो गया है। एंड फेल्ट, और महसूस करती है दैट ओल्ड फेमिलियर है, और उस पुराने परिचित दर्द को। कौन सा दर्द है? माई चाइल्डहुड फियर्स, यानी पोएट्स के बचपन का डर। अब बचपन के डर का मतलब ये है कि जब बच्चा अपनी मम्मी से बचपन में बिछुड़ता है तो तुमने देखा होगा कि बहुत रोता है, यानी उसे बहुत दुख होता है। उस किसी भी हाल में उसकी मम्मी उससे दूर नहीं जानी चाहिए। अब उस वही डर जो है पोएट्स के मन में आ जा रहा है, और ये जो है संकेत दे रहा है कि पोएट्स को ऐसा फील हो रहा है कि आज उसकी मम्मी उसको छोड़कर जा रही है, यानी उसकी मम्मी का जो है जाने का समय नज़दीक आ गया है, ऐसा वो फील कर रही है। ऐसे मन में उसके भाव आ रहे हैं। बट ऑल आई सेड वाज, अब इतने भाव, इतनी दर्द उसके मन में चल रहा है। उसके बाद वो क्या कहती है? बट, परंतु, ऑल आई सेड वाज, जो मैंने केवल कहा था वो क्या था? सी यू सून अम्मा, कि फिर दोबारा मिलेंगे अम्मा। यानी उसके मन में डर तो ये है कि उसकी मम्मी से वो दोबारा नहीं मिल पाएगी, लेकिन अपने उस दर्द को उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया, और उसने ये कहा कि दोबारा फिर मिलेंगे। और किस तरीके से कहा? ऑल आई डिड, ये सारी बातें मैंने कैसे की? वह स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मुस्कुराते हुए अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए कहा कि सी यू सून अम्मा। तो यहाँ पर पोएट्स ने अपनी फीलिंग्स को अपनी मम्मी को ना दिखाते हुए, स्माइल करते हुए अपने अंदर के डर को छिपा लिया है। यहाँ पर जो है पोएट्स ने अपनी हर एक चीज़ का, अपनी हर फीलिंग का कंपैरिजन बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। फर्स्ट वन उन्होंने कंपेयर किया है अपनी मदर के फेस को किसके साथ? कोप्स के साथ। कोप्स मीन क्या होता है? डेड बॉडी। डेड बॉडी का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जिसमें कोई जान नहीं होती। द पोएट इज पेंट, बहुत दुखी है, और फिर क्या करती है? एंड शिफ्ट्स हर अटेंशन आउटसाइड द कार इन ऑर्डर टू ड्राई आउट द नेगेटिव फीलिंग। सेकेंड पैसेज में फिर क्या होता है कि वो बहुत दुखी फील करती है और अपनी अटेंशन को उन थॉट्स से हटाने के लिए बाहर की तरफ देखना शुरू कर देती है, ताकि वो नेगेटिव विचार जो उसके मन में आए हैं वो फ्लैश आउट हो जाए। सीस आउटसाइड, वो आगे बाहर की तरफ देखती है। वेयर ट्रीज आर स्प्रिंटिंग, जहाँ पर पेड़ जो हैं दौड़ रहे हैं, बच्चे खुशी खुशी खेल रहे हैं। एंड दे आर स्ट्राइकिंगली अपोजिट टू हर मदर, और वो बाहर जो सीन है वो उसकी मम्मी से बिल्कुल उल्टा है। वो लुक्ड एज स्टिल एज ए डेड बॉडी, क्योंकि उसकी मम्मी जो है आज उसको बिल्कुल ही लाइफलेस नजर आ रही है। सो दिस Here poets did comparison between life and death. Now she compare her pale face with late winter's moon. अब जो है उन्होंने उसके पीले पड़े हुए चेहरे का कंपैरिजन किया है किससे? लेट विंटर मून से। जिस तरीके से लेट विंटर मून जो है साफ नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है, ड्यू टू मिस्ट या ड्यू टू फोग, उसी वजह से आज जो है उसकी मम्मी का चेहरा भी ओवरशैडोड हो गया है। वो ओवरशैडो किसकी वजह से है? डेथ विच कैन रीच एनी टाइम, वो मृत्यु जो उसके पास किसी भी समय आ सकती है। एंड इन द एंड पोएट्स ट्राइज टू हाइड हर इमोशंस बाय स्माइलिंग, पोएट्स जो है स्माइल करते हुए अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश करती है, जो कि अक्सर हम सब करते हैं कि जब हमारे मन में कोई बुरा विचार आता है और वो उस विचार को हम छिपाते हैं, तो ऐसा ही करते हैं कि सामने वाले की तरफ देख करके हम मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। तो पोएट्स ने यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया है। एंड इन द एंड सी बिड्स गुड बाय टू हर मदर विद अ होप टू सी हर अगेन, और आखिर में वो अपनी मम्मा को गुड बाय कर देती है इस उम्मीद से कि वो दोबारा उनसे मिलने जरूर आएगी। So it was your poem. It was very interesting poem, and Kamala Das here represented her feelings in a very innovative